हाय गाइस, सो एक आज का वीडियो चालू करने से पहले, आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। क्या आपने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली है? बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट द जॉब, वी आर इन अर्ली 20s, 21, 22, 23 साल में वी स्टार्ट वर्किंग। और खुद मैंने करीबन 21-22 साल की एज में आई स्टार्टेड माई बैंकिंग करियर विद एक्सिस बैंक। देखते देखते 2007 से लेकर के 2020 आ गया है। नाउ आई एम 35 ईयर ओल्ड, करीबन 13 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए, लगातार बैंकिंग करियर अपना करते हुए। लेकिन कभी कभी जब मैं सोचता हूँ कि हाउ वेल आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माई रिटायरमेंट, तो मुझे घबराहट होती है। क्या वो घबराहट आपको भी होती है? आपकी भी एज अगर आप 25, 30, 35 या 40 साल के हो चुके हैं और आपने अभी अपने रिटायरमेंट तरीके से, ढंग से प्लान नहीं कर रखी है, तो क्या आपको ये क्वेश्चन हॉन्ट करता है? डर लगता है सोच के कि 15 या 20 साल बाद व्हेन यू आर गोना रिटायर फ्रॉम अ प्राइवेट जॉब लाइक अस, तो आपकी लाइफ रिटायरमेंट के बाद कैसे चलेगी? क्योंकि आज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है लोगों की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि लोगों कि पहले लोगों का जो एवरेज एज 70 साल के आसपास होती थी, आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सो पीपल आर लिविंग एट द एज ऑफ 85-90। तो क्या आप इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या अपने आप को फाइनेंशियली इतना तैयार कर चुके हैं कि 58 या 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद अगले 20-30 सालों के लिए आपके पास सफिशियंट पैसा है? आप अपनी लाइफ स्टाइल जो आज की डेट में आप जीते हैं, वो अगले 30 सालों में, रिटायरमेंट के बाद अगले 30 सालों में, दैट यू कैन लिव दैट लाइफ एट द सेम टाइम लाइफ स्टाइल। कुछ फिगर्स बताता हूँ जो आपको आपको डराएंगे, और आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, आपको रियलाइज कराना मेरा मकसद है कि हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर रिटायरमेंट। तो एक फिगर देता हूँ, अगर आज की डेट में आपका महीने का खर्चा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ईएमआई को छोड़ के बता रहा हूँ मैं, 40 या 45 हज़ार है, विद जनरली इट इज़, अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, आप टीवी, एसी, फ्रिज, ये दुनिया भर की चीज़ें यूज़ करते हो, कभी कभार खाना बाहर खाने जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा मेडिकेशन यूज़ करते हो, तो आपका महीने का बजट करीबन 40-45 हज़ार रुपये का होता है। मैं 35 साल का हूँ, आई एम थिंकिंग कि मैं अगले 58 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में रिटायर होगा। सब जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन आई हैव टू बी रैशनल, आई हैव टू बी रियलिस्टिक कि अभी मैं फाइनेंशियली इतना तैयार नहीं हूँ कि अगले 10 साल या 5 साल में रिटायर हो सकूँ। तो मैंने सोचा है कि अगले 22-23 साल में रिटायर होऊँगा, और एट द टाइम ऑफ माई रिटायरमेंट, जो आज हमारा महीने का खर्चा 40-45 हज़ार रुपये पर मंथ है, सो अगर अपनी करंट लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो कि इफ़ योर करंटली मंथली एक्सपेंसेस आर 45,000, ये मंथली एक्सपेंसेस बिना किसी ईएमआई के, मतलब ये बड़े ही बेसिक से एक्सपेंसेस हैं जो अपनी ग्रॉसरी में खर्च करते हैं, जो आप अपनी मेडिकल बिल्स में खर्च करते हैं, जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, इनको देने में खर्च करते हैं, अपने बच्चे की स्कूल फी देते हैं, तो बड़ी ही बेसिक से खर्चों से जो 45-50 हज़ार के आसपास का हम महीने का खर्च करते हैं, एंड इफ़ वी वॉन्ट टू रिटायर आफ्टर 20-25 ईयर्स, और हम 6% का इन्फ्लेशन का मतलब है कि हर महीने, हर साल महंगाई कितनी बढ़ती है, मतलब कोई चीज़ आज की डेट में 100 रुपये की मिल रही है, एक साल बाद अगर वो 106 रुपये, 105 रुपये की मिलती है, तो इन्फ्लेशन आपका 5 या 6% होता है। हालांकि ये महंगाई दर करीबन 10% है, लेकिन हम गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, 5 और 6% ये महंगाई दर, सो वी एज्यूम कि 5-6% इन्फ्लेशन होगा। और अगर इस इन्फ्लेशन के हिसाब से काउंट करें तो जब हम रिटायर होंगे आज से 20-25 साल बाद, उस समय में हमें महीने का जो खर्चा चाहिए होगा, जो आज 45,000 चाहिए होता है, वो इनकम मुझे चाहिए होगी करीबन 2-2.25 लाख के आसपास, टू बी प्रिसाइज 2 लाख के आसपास एक लमसम फिगर मानते हैं, तो करीबन 20-25 लाख रुपए मुझे साल का रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा अपनी सेविंग से। तो क्या 20-25 लाख रुपए जनरेट करने के लिए मैं उतने पैसे इकट्ठे कर पाऊंगा? आज की डेट में अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप सैलरीड हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं,
आप सोचते हैं कि 20-25 साल बाद अगर आपको 20-25 लाख रुपए साल का जनरेट करना है तो हाउ मच मनी यू नीड टू हैव इन योर सेविंग अकाउंट, या उसकी इतने की एफडी होनी चाहिए। तो इफ आई कैलकुलेट कि हालांकि एफडी के रेट्स आर गोइंग डाउन, पहले 10% होते थे, नाउ आज की डेट में 6% 6.5% की एफडीज होती हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि उस समय भी 6% होगी, जिसके चांसेस बहुत ही ब्लीक हैं, तो फिर भी आपको करीबन 3-4 करोड़ रुपए अपने खाते में रखने पड़ेंगे। मतलब इफ़ यू हैव 3-4 करोड़ रुपए बैलेंस इन योर एफडीज, तब उस पैसे से जाकर के कहीं आप 18-20 लाख रुपए जनरेट कर पाओगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आज आपको रिटायरमेंट से 20-25 साल दूर बैठे हैं, यू नीड टू सेव अराउंड 3-4 करोड़ रुपए। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट फिगर कि आज आपकी इनकम कितनी है, तो 20-25 साल बाद सेम लाइफस्टाइल वालों की इनकम कितनी होनी चाहिए, कितना रिटायरमेंट में हर महीने आपको पैसा चाहिए होगा, और उस पैसे को जनरेट करने के लिए आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा 25 साल के बाद, और उस कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए आपको हर महीने कहाँ पे पैसा सेव करना है, कितना पैसा लगाना है, क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो ये हम जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। इट विल बी अ 10-15 मिनट वीडियो जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपकी करंट लाइफस्टाइल कितनी है, आपको कितना पैसा रिटायरमेंट के बाद चाहिए होगा, कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं, कौन कौन से ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके लिए इमरजेंसी फंड तैयार करके रखना पड़ेगा। सो वी विल नो इन दिस वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड सो यू डोंट मिस इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसको समझने के लिए आपको मेरी स्क्रीन पे आ रहे चार्ट या कैलकुलेटर को ध्यान से देखना होगा, जहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपकी एज अभी 30 या 35 साल है एंड इफ़ यू वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, तो अभी आप कितना खर्चा करते हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए होगा, और अभी से आज आपको सेविंग कितनी करनी चालू करनी पड़ेगी। तो सपोज़ इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं अपने आप को ही रखता हूँ, माई एज इज़ 35 एंड आई वॉन्ट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर। तो यहाँ से लेकर के रिटायरमेंट तक मेरे पास करीबन 25 साल का टाइम है। तो इस 25 साल में अब अगर करंट मंथली खर्चा मेरा 45,000 का है, 45,000, और अभी मैंने अपनी रिटायरमेंट सेविंग कोई सपोज़ मैंने कैजुअल था, अभी तक पिछले 5-10 सालों में मैंने कोई रिटायरमेंट के लिए स्पेशल कोई कॉर्पस नहीं बनाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की सेविंग कर रखी है अपने रिटायरमेंट के लिए, और सब कुछ मुझे आज से और यहाँ से अभी स्टार्ट करना है। तो 45,000 इज़ माई करंटली मंथली एक्सपेंस, और 2 लाख रुपए का मेरे पास अभी रिटायरमेंट कॉर्पस है, जो कि मेरे पास अपने अकाउंट में या कि अपने इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है, और करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ 6-7%। और मैं यही सोचता हूँ, मैं यही एज्यूम करता हूँ कि अगले 20 साल, अगले 25 साल भी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा, यानी महंगाई दर रहेगी, वो रहेगी 6% की। सो 45,000, 6% का इन्फ्लेशन, ये करते करते करीबन 2 लाख, 2.25 लाख महीने का अमाउंट बनेगा। और मैं अब यहाँ से मेरे को जो सेव करना है, मैं वो सोचता हूँ कि जो मंथली मैं अब सेविंग करूँगा उसमें मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो मिलेगा 10% कंपाउंडिंग एवरी ईयर। तो अगर वो 10% मिलता है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगले 25 सालों तक मुझे हर साल 28,237 रुपये, 28,237 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 3.75 करोड़। मैं स्टार्टिंग से यही बात कर रहा था कि रिटायरमेंट के लिए आपको करीबन 3-4 करोड़ रुपये, अगर आपकी 45,000 की लाइफ स्टाइल आपको 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद भी जीनी है, तो करीबन आपको 3-4 करोड़ रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। और हमारा कैलकुलेटर भी आपको यही बता रहा है कि यू हैव टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 3.75 करोड़ रुपीज़। उस 3.75 करोड़ रुपीज़ को अगर आप बैंक की एफडीज, डेट म्यूचुअल फंड्स में भी रखेंगे, तो वो आपको करीबन 2 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट अर्न करेगा, और उस अमाउंट से आप अपना रिटायरमेंट बहुत ही आराम से गुजार पाएंगे। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे है, अगर आप सपोज आज की रेट से कोई SIP या मंथली इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं जहां पे आपको 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है हर महीने करीबन 28,000 करना है। और अगर आपने 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है और रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% की जगह 12% मिलती है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हर महीने आपका 14,000 हो जाता है, लगभग 14,000। सो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का जादू यही है कि अगर आपको 10% या 12% की रिटर्न चाहिए, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट रिटर्न फ्रॉम एफ
फ्रॉम गोल्ड और फ्रॉम रियल एस्टेट। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है, इक्विटी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस म्यूचुअल फंड एक ऐसा एक क्लास है जो आपको करीबन 12, 11 या 10% के रिटर्न देने के काबिल है। दूसरे इन्वेस्टमेंट अगर आपको याद हो तो आज से 2007-08 में करीबन एफडी के जो इंटरेस्ट रेट होते थे वो 12% पर ईयर होते थे। आज की डेट में अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, यू गो एंड चेक इन देयर वेबसाइट, एक आप ऐसे ही गूगल में देख सकते हैं, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट इज नॉट मोर देन 6-7%। तो ये रेट ऑफ रिटर्न डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दीज आर सपोज टू कम डाउन एज आर इकोनॉमी ग्रो एंड वी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनाना है अपनी रिटायरमेंट लाइफ के लिए, आप रियली बहुत गंभीर हैं और वाकई में आप उस कंडीशन में आपको नहीं रखना चाहते कि 60 साल के बाद आपको अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़े और आपको उस समय मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको धक्का लगे और आप किसी पे आश्रित नहीं होना चाहते हैं, तो यू स्टार्ट सेविंग, यू स्टार्ट डूइंग SIP फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। डोंट डिले इट, इवन अ डिले ऑफ 1 year or 1 month विल हर्ट यू बैडली। सो वट एवर इज योर कैपेसिटी एज पर योर मंथली अर्निंग, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000, बट माई एडवाइज इज टू स्टार्ट विथ। तो ये कैलकुलेशन हमने आपको बता दी कि अगर आपका अभी करंटली खर्चा करीबन 45-50,000 है और उसी लाइफस्टाइल को अगर आप 60 साल के बाद जीना चाहते हो तो आपको 3-4 crore रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। सो यू नीड टू इन्वेस्ट 15-30,000 का अमाउंट हर महीने आपको अभी से स्टार्ट करना है। अगर आपको मार्केट में रिटर्न मिलेगी 12% तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 14,000 पर मंथ, और अगर आपको मार्केट में रिटर्न मिलेगी 10% तो आपको करीबन 28,000 रुपये पर मंथ सेव करने पड़ेंगे। तो इस कैलकुलेशन और एजम्पशन में मत जाइए कि आपको रिटर्न कितना मिलेगी। हिस्टोरिकल रिटर्न इज मोर देन 12%। तो मैं कहता हूँ 15-20,000 रुपये की SIP तो आज से ही आपको इक्विटी फंड्स में स्टार्ट करनी चाहिए। अब वीडियो के अगले सेक्शन में मैं आपको उन 5 या 6 फंड्स के नाम बताने वाला हूं जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, मेरे फोलियो में है, मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं उन SIPs में इन्वेस्टमेंट करता हूं, कितना भी अमाउंट करता हूं दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज हियर, और लोगों को सजेस्ट भी करता हूं, पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू दोज SIPs। सो लेट्स हियर इट, लेट्स नो इट, विच आर दोज 5 SIPs जो आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखनी चाहिए। सो एज प्रोमिस्ड, अब मैं बताने वाला हूँ आपको 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के नाम जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मैंने बहुत रिसर्च करी उन पे, बहुत बड़े फंड हैं, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट उनके पास बहुत ज़्यादा है। मैं उन फंड्स की बात करने वाला हूँ जो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए आज से ही इन फंड में SIP चालू करनी है, स्टार्ट करनी है। तो उन 5 फंड्स में से जो पहला नाम है वो है मिराए इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। बहुत अच्छा AUM है इसका, अगर इसके 10 साल के रिटर्न, अगर आपको किसी फंड को जज करना है ना तो 1 साल या 2 साल के रिटर्न आप उसके नहीं देखिए, आप उसके 10 साल की एवरेज या हिस्टोरिकल रिटर्न देखिए, तो आपको उस फंड मैनेजर, उस फंड की काबिलियत का पता चलता है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कौन सा फंड कितने परसेंटेज के रिटर्न डिलीवर कर रहा है। सो दिस इज अ 5-star रेटेड फंड, क्रिसिल की रेटिंग इसकी 5-star है, मतलब इससे अच्छी कोई रेटिंग होती नहीं है, अदरवाइज वो भी मिलती है इसको। और इसके जो 10 साल के हिस्टोरिकल रिटर्न हैं दीज आर 18%, जो कि 12% से बहुत ऊपर है जो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस फंड फ्रॉम टुडे ओनली। दूसरा फंड है हमारी लिस्ट में SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, दैट इज अ 4-star रेटेड फंड, और इस फंड की जो हिस्टोरिकल रिटर्न है पिछले 10 साल की जो एवरेज रिटर्न है वो है 14.15%, विच इज ऑल्सो फंटेस्टिक रिटर्न कंसिडरिंग के पिछले 4-5 साल से इक्विटी मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन जिस इन्वेस्टर ने 10 साल से पैसा रखा हुआ है उसका रिटर्न है 14.15%। नाउ थर्ड इन आर लिस्ट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये अगर कोई SIP इन्वेस्टर या कोई इक्विटी इन्वेस्टर है तो इस फंड का नाम सभी जानते हैं, दिस इज वेरी पॉपुलर अमंग इन्वेस्टर। हालांकि इसमें फंड में 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन हम जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो, तो 3 साल का लॉक इन कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। इस फंड ने पिछले 10 सालों में जो एवरेज रिटर्न दिया है वो 15% का रिटर्न दिया है। तो दिस इज अ फंटेस्टिक रिटर्न। इसके फंड मैनेजर को बेस्ट फंड मैनेजर की कैटेगरी का अवार्ड 2 या 3 बार मिल चुका है, लॉन्ग टर्म इक्विटी यानी ELSS कैटेगरी का सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला फंड है। चौथा फंड है जिसको मैंने बहुत ढूंढ के निकाला है,
और इसी का फ्यूचर है तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। डिजिटल इंडिया फंड अब क्यों ढूंढ के लाया हूँ, ये इसलिए ढूंढ के लाया हूँ कि आने वाला जमाना ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन का होने वाला है जमाना, तो ये सेक्टर हमेशा चलेगा, ये सेक्टर आपको तगड़े रिटर्न भी देगा। द एवरेज रिटर्न इन दिस फंड इन लास्ट 10 ईयर इज 13.5% विच इज ऑल्सो फंटेस्टिक रिटर्न। द लास्ट फंड, ये बहुत ज़्यादा इसको एनालिस्ट एडवाइज़ नहीं करते, बैंकर्स एडवाइज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा AUM नहीं है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है और मैंने इस फंड में अभी 5,000 का SIP भी स्टार्ट किया है। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया US इक्विटी फंड। नाउ इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्या हैं, ये फंड नैसडैक और डाउ जोन्स में लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनके उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट करता है गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में, अल्फाबेट में, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोजर नहीं है। तो बेसिकली US में जो इक्विटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इफ सम टाइम हैपेंस कि अगर आपका इंडियन मार्केट इज़ नॉट परफॉर्मिंग लेकिन US बहुत ही स्टेबल और बहुत ही डेवलप मार्केट है, ये ज़रूर चलेगा और पिछले 10 सालों का एवरेज रिटर्न आपको बता देगा कि करीबन 15% के रिटर्न इस फंड ने दी है पिछले 10 सालों में। सो दिस इज़ अ फंटेस्टिक रिटर्न अगर किसी ने US इक्विटी ने 10-15% के रिटर्न दी है। सो दीज वर द 5 फंड्स जो मैंने अपने सारे इन्वेस्टर, सारे क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ, अपने पर्सनल दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सजेस्ट करता हूँ और खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये 5 फंड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। इनकी डिटेल मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगा, सो दैट यू कैन, मतलब आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गो एंड सी विद द लिंक कि इन फंड्स के रिटर्न, इनका पोर्टफोलियो क्या कहता है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको इंटरेस्ट रेट का एक फार्मूला ही बताता हूँ जो मैंने पहले वीडियो में कवर भी करा है कि 15% या 18% के रिटर्न अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है तो हर चौथे या पाँचवें साल आपका पैसा डबल हो जाएगा और आपका रिटायरमेंट बहुत ही आसानी से गुजरेगा। सो बी हैप्पी, बट अपनी सैलरी या अपने बिजनेस इनकम से हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इक्विटी SIPs में ज़रूर जाना चाहिए, तभी आप एक बेहतर वर्क लाइफ या कहें एक फाइनेंशियल लाइफ का बैलेंस बना पाएंगे और बिना टेंशन के अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो सो दैट आई कैन हेल्प देम ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।